नमस्कार, भागवत संक्षिप्त में आपका स्वागत है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्छत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् जनसमुद्यमे। संस्कृत श्लोक सुनकर बोलना तो आसान है, परंतु इन शब्दों का अर्थ समझे बिना बोलना व्यर्थ है। सत्य वचन, संस्कृत एक बहुत ही सुंदर भाषा है। संस्कृत का अर्थ ही होता है सिद्ध या उत्तम। यह एक पौराणिक भाषा है, यह सभी भाषाओं की जननी है। तुम संस्कृत शब्दों का उच्चारण करो, मैं तुम्हें अर्थ समझाने का प्रयास करती हूँ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनायो सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्ये मध्य में, रथम रथ को, स्थापय खड़ा करिए, मैं मेरे, अच्युत हे अच्युत, यावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख लूं, अहम मैं, युद्ध का मान युद्ध की इच्छा वालों को, अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र हुए, कई किनके, मया मुझे, सह साथ, योद्धे वयम युद्ध करना है, अस्मिन इस, रण युद्ध रूप, समुद्यमय संघर्ष में। यह तो रहा शब्दों का अर्थ, इस श्लोक का अनुवाद क्या है? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए, जिससे यहाँ उपस्थित इन सब युद्ध के अभिशाली योद्धाओं को मैं देख सकूं, जिसके साथ इस महासंग्राम में मुझे संघर्ष करना है। श्रीमद् भगवद गीता तो 5000 साल पुरानी है, तो मैं आज के दैनिक जीवन में इसका उपयोग कैसे करूं? स्वयं को अर्जुन के स्थान पर रखने का प्रयास करो, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जब तुम्हारे समक्ष कोई दो राहें आए और दोनों ही तुम्हें प्रिय हैं, किंतु केवल एक ही उपयुक्त पक्ष है, तब दोनों पक्षों के अच्छे और बुरे मूल्यों की तुलना समझदारी से करें और चुनें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शीघ्र ही हम आपसे मिलेंगे अगले श्लोक में।